स्टूडेंट्स, आज आप क्लास 12 इंग्लिश पोज का लेसन 5, जिसका नाम है आई एम जॉन्स हर्ट और जिसके राइटर हैं जेडी रेडक्लिफ, का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। रिव काउंटिंग, धड़कन की गिनती। आफ्टर ए नाइट मेयर ही समटाइम वेक्स अप एंड वरीज बिकॉज आई एम रेसिंग। नाइट मेयर का अर्थ होता है भयानक स्वप्न। भयानक स्वप्न के बाद कभी कभी वह जग जाता है और चिंता करता है, क्योंकि मैं तेज गति से चल रहा होता हूँ या धड़क रहा होता हूँ। दैट्स बिकॉज When he runs in his dream, I run too. और ऐसा इसलिए होता है कि जब वह अपने स्वप्न में दौड़ रहा होता है, तब मैं भी दौड़ रहा होता हूँ। जॉन्स वरीज एक्चुअली एग्रेवेट थिंग्स। जॉन्स की चिंताएँ वास्तव में स्थिति को और बिगाड़ देती हैं। एग्रेवेट का अर्थ होता है बिगाड़ देना। मेक मी गो स्टील फास्टर, मुझे तेज ही चलने दो। इफ़ ही वुड काम डाउन सो वुड आई, यदि वह शांत हो जाता है तो मैं भी शांत हो जाता हूँ। काम डाउन का मतलब है शांत हो जाना। बट इफ़ ही कांट, देयर इज ए वे टू स्लो मी डाउन, और यदि वह शांत नहीं होता है तो भी मुझे शांत करने का या मेरी धड़कनों को सामान्य करने का एक तरीका है। द वेगस नर्व्स एक्ट एस ए ब्रेक। एक वेगस नर्व्स होती है, वेगस नस होती है, जो एक ब्रेक, जो मेरी तेज रफ्तार को रोकने का कार्य करती है, जो एक ब्रेक की तरह कार्य करती है। दे पास अप थ्रू द नेक, और यह नस गर्दन से होके गुजरती है, बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे से। कान के पीछे का हिस्सा जो है गर्दन के पास का, एट द हिंज ऑफ जॉ, जबड़े के जोड़ पर। यहाँ पे एक नस होती है जिसको वेगस नस नर्व्स कहते हैं, और यह ब्रेक का कार्य करती है। जेंटल मसाज हियर विल स्लो माई बीट्स। यहाँ पे हल्की मसाज या हल्की मालिश करने से मेरी बीट, मेरी धड़कनें सामान्य हो जाती हैं या धीरी हो जाती हैं। जॉन्स ब्लेम्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन मी। जॉन प्रायः हर चीज़ों का दोष मेरे ऊपर लगा देता है। ब्लेम्स का अर्थ है दोषारोपण। फ्रॉम फैटिक टू डिजी चिल्स, थकान से लेके चक्कर आने तक। थकान हो जॉन्स को या उसको चक्कर आए, सबका दोषारोपण वह मेरे ऊपर कर देता है। डिजी स्पेल का अर्थ है चक्कर आना, फैटिक का अर्थ है थकान। बट आई हैव लिटिल टू डू with his fatigue and his occasional dizzy spell usually trace back to his ears. But I have little to do with his fatigue. लेकिन मुझे मेरी उसके थकान से न के बराबर ही संबंध होता है। मेरा संबंध उसके थकान से न के बराबर ही होता है। And his occasional dizzy, और उसके जो कभी कभार जो चक्कर आता है उससे भी। Usually trace back to his ears. और जो उसका कभी कभार आने वाला चक्कर आता है, जो उसको कभी कभार, वो उसकी कान से संबंधित होता है। ट्रेस बैक का अर्थ है संबंधित होना। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही विल बी सिटिंग एट हिज डेस्क वर्किंग एंड विल गेट ए शार्प पेन इन द चेस्ट। फ्रॉम टाइम टू टाइम, अक्सर ही ही विल बी सिटिंग, वह बैठ रहा होता है या बैठा हुआ होता है ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पे वर्किंग, कार्य कर रहा होता है। एंड विल गेट ए शार्प पेन इन हिज चेस्ट, और अपने छाती में एक तेज दर्द महसूस करता है। ही फियर्स दैट ही इज अबाउट टू हैव ए हार्ट अटैक। वह डर जाता है कि उसको एक हृदयाघात होने वाला है। हार्ट अटैक का अर्थ होता है हृदयाघात। ही नीड नॉट वरी, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। That pain comes from his digestive tract.
यह दर्द उसके पाचन तंत्र से आ रहा होता है, पाचन तंत्र के कारण होता है। पेमेंट फॉर द हैवी मील्स ईटन ए कपल ऑफ आवर अर्लियर, दो घंटे पहले जो गरिष्ठ भोजन किया गया होता है उसकी कीमत होती है यह दर्द। व्हेन आई एम इन ट्रबल, और जब मैं कभी तकलीफ में होता हूँ, परेशानी में होता हूँ, आई यूजुअली सेंड आउट ए पेन सिग्नल ओनली आफ्टर अनड्यू एक्सर्शन और इमोशंस, मैं सामान्यतः एक दर्द का संकेत भेजता हूँ और यह संकेत मैं भेजता हूँ अत्यधिक थकान के बाद। अनड्यू का अर्थ होता है अत्यधिक, एक्सर्शन का अर्थ है थकान, या फिर इमोशंस भावनाओं के बाद। अत्यधिक थकान या फिर अत्यधिक भावनाओं से अर्थ है कोई बहुत अधिक खुशी की भावना शरीर में आए या बहुत दुख की बात घटे, तो ऐसी प्रबल भावनाओं के बाद मैं दर्द के संकेत भेजता हूँ। डेट्स द वे आई टेल हिम आई एम नॉट गेटिंग एनफ नरिशमेंट टू कोप विथ द वर्क ही इज लोडिंग ऑन टू मी, और यह एक रास्ता होता है, दैट्स इज द वे, यह एक रास्ता होता है, यह एक तरीका होता है। आई टेल हिम, मैं उसको बताता हूँ इस तरीके से, आई एम नॉट गेटिंग एनफ नरिशमेंट, मुझे पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है, पर्याप्त खुराक नहीं मिल रही है, टू कोप विथ द वर्क, कार्यों से कार्यों को प्रबंध करने के लिए, कार्यों को संचालित करने के लिए, द ही इज लोडिंग ऑन टू मी, उस कार्य को करने में जो कार्य वह मेरे ऊपर थोप रहा होता है। हाउ डू आई गेट माई नरिशमेंट, मैं अपना पोषण कैसे प्राप्त करता हूँ, फ्रॉम द ब्लड, ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से ब्लड से, रक्त से मैं अपना पोषण लेता हूँ। बट ऑल दो आई रिप्रेजेंट ओनली ए 200th पार्ट ऑफ द बॉडी वेट, लेकिन पूरे शरीर का जो वजन होता है उसका 2/7 हिस्सा ही मैं, उसके 2/7 हिस्से का ही मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। आई रिक्वायर अबाउट 1/20th ऑफ ब्लड सप्लाई, और जो रक्त संचार हो रहा होता है उसका 1/20 हिस्सा का ही मुझे ज़रूरत होता है, उतने की ही मुझे आवश्यकता होती है। दैट मीन्स आई कंज्यूम अबाउट 10 times द नरिशमेंट रिक्वायर्ड बाई अदर बॉडी ऑर्गन एंड टिश्यू, इसका अर्थ हुआ कि जो शरीर के दूसरे अंग और ऊतक हैं उनके जो पोषण की आवश्यकता होती है उससे 10 गुना ज़्यादा पोषण का खर्च मैं करता हूँ, या उससे दस गुना ज़्यादा पोषण की आवश्यकता मुझे होती है। कंज्यूम का अर्थ होता है खर्च करना। बट आई डोंट एक्सट्रैक्ट नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड पासिंग थ्रू माई 4 chambers, लेकिन मैं पोषण का शोषण उस रक्त से नहीं करता हूँ जो मेरे कक्षाओं, मेरे 4 कक्षाओं में से होकर बहता है। आई एम फेड बाई माई ऑन 2 coronary arteries, मेरे जो अपने 2 coronary धमनियाँ हैं उनके द्वारा मैं खाता हूँ, या उनके द्वारा मुझे पोषण मिलता है। लिटिल ब्रांचेस ट्री, यह छोटे शाखादार वृक्ष जैसा है, विथ ट्रंक जिसका तना भी है, नॉट मच थिकर देन ड्रिंकिंग स्ट्रा, और यह ड्रिंकिंग स्ट्रा या पानी पीने वाली जो नली होती है उससे कहीं ज़्यादा मोटा नहीं होता। दैट इज माई वीक स्पॉट, यह मेरा कमजोर स्थान है। ट्रबल हियर इज द ग्रेटेस्ट सिंगल कॉज ऑफ डेथ, और यहाँ पे कोई मुश्किल हो तो यह बहुत बड़ी समस्या का कारण होता है, मृत्यु का कारण होता है। नो वन नोज हाउ इट हैपेंस बट अर्ली इन लाइफ समटाइम्स इवन एट बर्थ, कोई नहीं जानता कि यह कैसे होता है, बट अर्ली इन लाइफ जीवन की शुरुआत में, समटाइम्स इवन एट बर्थ, कभी कभी तो जन्म के समय ही। फैटी डिपॉजिट बिगिंस टू बिल्ड अप इन द कोरोनरी आर्टरी, फैटी का अर्थ है चर्बी या वसा, वसा कोरोनरी धमनी में जमना शुरू हो जाती है और इसका कारण कोई नहीं जानता। ग्रेजुअली दे कैन क्लोज एन आर्टरी आर ए क्लॉट मे फ्रॉम द क्लोज इट सडनली, और
धीरे धीरे धमनी को यह जो जमा हो रहा फैट होता है, जो जमा हो रहा हुआ वसा होती है, वो धमनी को धीरे धीरे बंद कर देती है या रक्त का थक्का बना देती है और यह बहुत जल्द हो जाता है। When an artery becomes blocked, और जब एक आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, the portion of the heart muscles, it fades, die. हार्ट हृदय के मसल्स जो इससे भोजन ग्रहण करते हैं वे मर जाते हैं। This leaves scar tissue, और यह घाव युक्त ऊतक को छोड़ जाता है। It may be no larger than a small marble, और यह जो घाव होता है एक छोटे से कंचे से बड़ा नहीं होता, बट इट कैन बी हाफ द साइज ऑफ टेनिस बॉल, लेकिन यह टेनिस बॉल का आधा तक भी हो सकता है। हाउ सीरियस द ट्रबल इज, जो मुश्किल है वो कितना गंभीर है, जो समस्या है वो कितनी गंभीर समस्या है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड पोजिशन ऑफ द प्लग आर्टरी, यह निर्भर करता है उस जमे हुए थक्के के आकार प्रकार और स्थान पर जो धमनी में कहीं जमा हुआ, जो अवरुद्ध, प्लग्ड का अर्थ होता है अवरुद्ध और आर्टरी का अर्थ है धमनी, तो अवरुद्ध धमनी में किस स्थान पर किस आकार का थक्का जमा है इस पर डिपेंड करता है मुश्किल की गंभीरता। जॉन हैड ए हार्ट अटैक 5 years ago एंड डिड नॉट इवन नो इट, जॉन को 5 साल पहले एक हृदयाघात हुआ था लेकिन वह उसे आज भी नहीं जानता। ही वॉज टू बिजी टू नोटिस दैट टीनी ट्विंग ऑफ पेन इन हिज चेस्ट, वो इतना व्यस्त था कि अपने छाती में छोटे से दर्द की चुभन को नोटिस नहीं कर पाया था या उस चुभन पर ध्यान नहीं दे पाया था। द आर्टरी दैट क्लॉग्ड वॉज ए स्मॉल वन ऑन माई रियर वॉल, धमनी जो कि बंद हो चुकी थी वह मेरे पिछले दीवार पे थी या मेरे पिछले हिस्से पे थी। इट टुक मी 2 weeks टू स्वीप अवे द डेड टिश्यू एंड रिपेव द एरिया विथ ए स्केयर नॉट मच लार्जर देन ए पी, और इसको हटाने में मुझे 2 सप्ताह का समय लगा था और जो मृतक उतक थे उसको हटाने में, उसको दूर करने में मुझे 2 सप्ताह लगा था और जो मरम्मत मुझे करना हुआ था उस क्षेत्र का, उस हिस्से का, तो उसको उस मृतक उतक को हटाने में और वहाँ की मरम्मत करने में मुझे 2 सप्ताह का समय लगा था और यह जो घाव था वो एक मटर के दाने से बड़ा नहीं था। जॉन्स कम्स फ्रॉम ए फैमिली वेयर हार्ट डिजीज हैज अकर्ड ऑफन, जॉन एक ऐसी फैमिली से, एक ऐसे परिवार से आता है जहाँ हृदय की बीमारियाँ प्रायः घटित होती रहती हैं, डिजीज का अर्थ है बीमारियाँ। सो स्टैटिस्टिक्स से दैट आई एम गोइंग टू गिव हिम ट्रबल टू, इसलिए जो सांख्यिकी आंकड़े हैं वे कहते हैं कि मैं उसको कोई तकलीफ देने जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स ही कांट डू एनीथिंग अबाउट हेरिडिटी, निश्चित रूप से अनुवांशिकता में वह कुछ नहीं कर सकता, हेरिडिटी का अर्थ है अनुवांशिकता, तो अनुवांशिक रोगों में वह कुछ नहीं कर सकता, बट ही कैन डू ए लॉट टू मिनिमाइज रिस्क, लेकिन खतरे को कम से कम करने के लिए वह बहुत कुछ कर सकता है।